गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के लिए दिया था, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड मैंने पहले दे दिया था, 1 आपका रह गया था, तो उसे हम आज करेंगे। देखिए, तो हम सभी एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एंगल्स के बारे में बता भी चुकी हूँ, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए, हमने कौन कौन से टाइप्स के एंगल पढ़े थे। तो जो फर्स्ट टाइप था वो था एक्यूट एंगल। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले उसमें करना क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। पहला एंगल क्या था? एक्यूट एंगल। वो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। देखिए, 90 ये होता है सीधा, 90 डिग्री से छोटे, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को? सेकेंड एंगल होता है 90 डिग्री का, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो मतलब 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के इक्वल राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा मींस ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और एक और पढ़ाता मतलब 180 डिग्री के बराबर। देखिए, 180 डिग्री के बराबर ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होता है, स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब उसके बाद एक और एंगल होता है, देखिए, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। जो क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा। देखिए, 180 डिग्री ये हो गया स्ट्रेट, और ये 180 डिग्री से बड़ा है। क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है। जब 180 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अभी देखिए, ए बी सी, मैंने इसकी नेमिंग कर दी और मैंने पूछा इस एंगल का नाम बताओ, तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए, सुनिए, रिफ्लेक्स, पहले ये बाहर वाला एंगल पूछा है ना आपसे, तो इसका नेम होगा रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। क्या होगा इसका नेम? रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 डिग्री से बड़ा। रिफ्लेक्स का मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल कहलाता है वो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखिए, 270 डिग्री कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। 195 डिग्री कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। आई बात हमने? और फिर सिक्स्थ नंबर पे एंगल होता है होल एंगल। कौन सा एंगल होता है? होल एंगल। होल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल, पूरा एक सर्कल, पूरा एक सर्कल। जब आप एक प्रोट्रैक्टर लीजिए और उसके नीचे दूसरा प्रोट्रैक्टर रखेंगे, तो 180 डिग्री पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, 360 डिग्री बन जाता है ना। तो 360 डिग्री, तो ये क्या होता है? होल एंगल, बिल्कुल पूरा कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में? तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से छोटे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर, 180 से बड़ा और 360 से छोटा रिफ्लेक्स एंगल, 360 के बराबर होल एंगल, या हम कह सकते हैं कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो अब आपने सिक्स तरीके के एंगल्स को पढ़ लिया है। चलिए, अब हम एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 15.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। नेम द काइंड ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग। आपको
एंगल्स के प्रकार बताने हैं हर एक में। अभी हमने सारे एंगल पढ़े ना, कौन कौन से, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, डिफ्लेक्स एंगल और होल एंगल। तो आप पहला बताइए मुझे, पहला कौन सा एंगल है ये बताइए, पहला कौन सा है ये, राइट एंगल, वेरी गुड। दूसरा 90 से छोटा है, ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। थर्ड वन कौन सा है, ये 90 से बड़ा दिख रहा है ना आपको, ऑब्ट्यूज एंगल। ये स्ट्रेट एंगल आपको देखकर ही पहचानने में आ जाना चाहिए, कोई आपसे डिग्री तो पूछ नहीं रहे वो कि कितने डिग्री का है, बस काइंड ऑफ एंगल पूछ रहे हैं कि कौन से प्रकार का ये एंगल है। फिफ्थ वाला बताइए, रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ वाला बताइए, कंप्लीट एंगल या फिर होल एंगल। तो बस आपको क्वेश्चन नंबर वन में यही करना था कि कौन से एंगल हैं, बस उन एंगल का आपको नेम लिखना था। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आज आपको होमवर्क में यही करना है, एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर वन करना है। फर्स्टली ड्रॉ ऑल द फिगर्स ऑन द प्लेन पेज एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स दे आर ऑन द लाइनिंग पेज, जो लाइन वाला पेज है उस पर लिखना है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज का होमवर्क है 15.2 का क्वेश्चन नंबर वन। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।